लीटर बैटरी चोरी करने वाले एक टीम को अरेस्ट किए, साजिद और वाजिद बोल के। ये दोनों अत्तापुर के रहने वाले और खैरताबाद में एक काम कर रहे हैं। एक भाई वाजिद बोल के 2010 में आसिक नगर से इसके पहले बैटरी के चोरी में अरेस्ट हुआ था। उसके बाद तो कभी भी पुलिस के नज़र उसके ऊपर नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक ही केस था। ये एडवांटेज लेते हुए कंटिन्यूसली दे हैव डन ऑफेंसेस पूरे सिटी में करे, हैदराबाद में, सैदराबाद में और तीनों कमिश्नरेट्स में, राजकोंडा में भी 18 केसेस एक ही साल में इसके ऊपर, एक ही साल में 18 केसेस बैटरी चोरी का ये हॉस्पिटल्स में हुए, ATM सेंटर्स में हुए, बैंक्स में हुए और सेलफोन टावर्स के वहाँ किए। इसका पूरा 18 केसेस में गिरफ्तारी कर चुके हैं और 3.5 लाख वर्थ बैटरीज एज वेल एज व्हीकल जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी सीज कर चुके हैं। और ये पूरा लेके एक रिसीवर, प्रवीण नाम के रिसीवर को वो बेच रहे थे। वो हायर प्राइस में मुशीराबाद में, नहीं तो किसी जिसको वो ज़रूरत है उसको बेचता था और इसको थोड़ा पैसे देता था। इसके हिसाब से पूरा 92 बैटरीज आज रिकवरी हुए। तो मैम ये कितने साल से कर रहा है? कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ये एक ही साल में तो 16 केसेस कर चुके हैं और हम जब वो प्लेसेस दिखाए इसके हिसाब से तो 33 प्लेसेस में कर चुके हैं, मगर केसेस तो 16 दर्ज हुए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में। और इसको कस्टडी में लेके और केसेस है तो और वी विल गो फर्दर ऑल्सो, एंड दे हैव डन ए गुड जॉब। एंड इसके हिसाब से हम कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब वो बैटरीज करते हैं ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पैसे वाले, आई मीन ये तो सिर्फ 8 to 10,000 वर्थ बैटरी होगा एक बैटरी, मगर इमरजेंसी काम रुक जाता है इसमें, एक हॉस्पिटल का काम रुक जाता, एक सेलफोन टावर बंद हो जाता, नहीं तो एक बैंक ATM रुक जाता। सो वी हैव टेकन इट सीरियसली एंड वी विल एनेबल PD भी एनेबल करेंगे इसके ऊपर। एंड इट हैज़ बीन ए गुड गैंग बिकॉज ये पूरे कंटिन्यूसली कर रहे थे और देवर एनलार्ज्ड, कभी भी अरेस्ट नहीं हुए। अभी अरेस्ट होने का तो वी एक्सपेक्ट दैट ये कम हो जाते बोलते हैं।